डिस्कस करेंगे इनकम टैक्स लॉसेस, यानी कि ट्रेडिंग लॉसेस, ट्रेडिंग लॉसेस। अच्छा, एक पॉसिबिलिटी तो ये हो सकती है कि अकाउंटिंग ही लॉस हो, ठीक है, और दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि अकाउंटिंग तो प्रॉफिट था लेकिन जब टैक्स की एडजस्टमेंट करने गए तो लॉस में आ गया, ठीक है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम लॉस बिफोर टैक्स, ये हमें दिया हुआ है एज्यूमिंग 50,000। हमने अपना नॉर्मल तरीका वही यूज किया, एड बैक डेप्रिसिएशन, तो इसको माइनस में लिखेंगे, डेप्रिसिएशन एड हुआ 10,000, टैक्स डेप्रिसिएशन माइनस हो जाएगा, कैपिटल अलाउंसेस फॉर एग्जाम्पल 15,000, और अदर एडजस्टमेंट के बाद हमारे पास ये आंसर आ रहा है 55,000 का टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग लॉसेस। अब जिस ईयर में लॉस आ जाए उस ईयर में तो हम टैक्स पे नहीं करेंगे, उस ईयर के अंदर हमारी इनकम जो शो होगी वो इनकम शो होगी निल। तो हम जो अपना टैक्सेबल प्रॉफिट दिखाएंगे वो टैक्सेबल प्रॉफिट हम दिखाएंगे कि जी हमारा टैक्सेबल प्रॉफिट निल है, लेकिन हमें अपने इस ट्रेडिंग लॉस के ऊपर टैक्स अथॉरिटी से रिलीफ मिलेगा, इंसेंटिव मिलेगा। अच्छा, वो जो रिलीफ हम लेने जाएंगे उस रिलीफ, वो रिलीफ डिपेंड करता है टैक्स लॉस के ऊपर, क्योंकि हम किसी एक स्पेसिफिक कंट्री का लॉ नहीं पढ़ रहे, टैक्स लॉ नहीं पढ़ रहे, हम जनरल बात करेंगे कि रिलीफ क्या क्या हो सकते हैं पॉसिबल, ठीक है। मैं लेकिन मैं यूके के पर्सपेक्टिव से बताऊं कि यूके में आपके पास एक ऑप्शन ये है कि आप जो भी करंट ईयर का लॉस आएगा उसको आप कैरी फॉरवर्ड करें। कैरी फॉरवर्ड करने का मतलब क्या, कैरी फॉरवर्ड करने का मतलब ये है, फॉर एग्जांपल अगर मेरा करंट ईयर है 2017 और इसके अंदर मेरे लॉसेस बनते हैं फॉर एग्जांपल 50,000 के, तो मैं इन लॉसेस को नेक्स्ट ईयर का जो टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट आएगा, फॉर एग्जांपल 2018 में हमारा टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट आया 1,00,000 का, तो मैं रिलीफ कैसे लूँगा, मैं टैक्स अथॉरिटी को कहूँगा कि भाई ये जो ट्रेडिंग प्रॉफिट है इसमें से मेरे पिछले साल का लॉस माइनस करो, और रिमेनिंग जो मेरा प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट के ऊपर मैं टैक्स दूंगा। तो एज ए रिजल्ट मेरी टैक्सेबल लायबिलिटी कम हो गई, सही है। तो ये ऑफसेटिंग हो रही है, ये एडजस्टमेंट हो रही है कि अगले साल आने वाले प्रॉफिट से हम इसको ऑफसेट करेंगे, और अगर अगले साल भी लॉस आ गया तो वो और आगे ट्रांसफर हो जाएगा। और कैरी फॉरवर्ड ये कब तक होता रहेगा, जब तक बिजनेस चलता जा रहा है, इनडेफिनेट टाइम पीरियड तक कैरी फॉरवर्ड होता रहेगा। ये ऑलमोस्ट दुनिया के हर मुल्क में यही रूल है। एक तो ये पॉसिबिलिटी होगी, ठीक है, लेकिन इसमें एक इशू ये है कि इसके अंदर आपको डिले हो सकता है। रिलीफ है ना, आपको मिल तो जाएगा, आज नहीं मिलेगा, कल नहीं, परसों, लेकिन रिलीफ आपको डिले मिलेगा, और सब्जेक्ट टू फ्यूचर अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है। अगर किसी बिजनेस को कंटिन्यूसली लॉसेज ही हो रहे हैं, 10 साल तक लॉसेज हो रहे हैं, तो वो फिर फॉरवर्ड के अंदर उसको बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप करंट ईयर के अंदर जिस ईयर में लॉस होगा, सही है, उस ईयर में आपके पास अगर अदर सोर्स ऑफ इनकम है, उस अदर सोर्स ऑफ इनकम से इसको ऑफसेट करवा दें। फॉर एग्जांपल आपके पास ट्रेडिंग में लॉस है लेकिन आपके पास इंटरेस्ट इनकम रखी हुई, फॉर एग्जांपल 1,00,000, और आपका ट्रेडिंग लॉस जो है वो 50,000 है, तो हम ये कहेंगे कि जी भाई ये ऑफसेट कर लो हमारी अदर इनकम से। तो अब हम इस साल 1,00,000 पर टैक्स नहीं देंगे, इस साल हम देंगे 50,000 पर टैक्स। तो कैरी फॉरवर्ड और करंट ईयर में फिर क्या फर्क हुआ, क्या फर्क हुआ? हाँ, वो उसी साल खत्म हो जाएगा जो भी लेना लेना होगा, वो इमीडिएटली मिल जाएगा आपको। और कैरी फॉरवर्ड क्या है, आपको फ्यूचर में इंतजार करना पड़ेगा, ठीक है,
अब अदर इनकम का जो ये चक्कर है, तो उसमें कुछ कंट्रीज के अंदर रिस्ट्रिक्शन होती हैं कि इससे ऑफसेट नहीं कर सकते, उससे ऑफसेट नहीं कर सकते। यूके के अंदर इसके ऊपर जो है ना, वो इन्होंने कुछ लिमिट भी लगा रखी है। लेकिन अब इन जनरल हमारा कॉन्सेप्ट क्या है कि करंट ईयर में अगर कोई अदर इनकम होगी तो उससे ऑफसेट कर देंगे। ठीक है, अगर अदर इनकम ना हो फिर तैयारी कार्रवाई तो फिर करेंगे। कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, या फिर जो तीसरा ऑप्शन मैं दे रहा हूँ वो पॉसिबल हो सकता है। तीसरा ऑप्शन क्या है कि आप कैरी बैक कर लें। आप कैरी बैक कर लें। कैरी बैक करने का मतलब यह है, अच्छा यूके के अंदर कैरी बैक करने की जो लिमिट है वो है 12 मंथ। लास्ट ईयर जो आपने टैक्स दे दिया था ना, उससे ऑफसेट कर लें और आप एज ए रिजल्ट वहां से आपको रिफंड मिल जाएगा। इसका फायदा यह है कि एक तो सेटलमेंट इमीडिएट हो जाएगी, दूसरा ये कि आपको कैश फ्लो भी आपका इनहेंस हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन यूके के अंदर कंडीशन ये है कि लास्ट 12 मंथ से ही कर सकते हैं, उससे पीछे जाके ऑफसेटिंग नहीं कर सकते। अब बहुत सारे ऑप्शंस बनते हैं, वैसे तो चॉइस है। पहला ऑप्शन ये बनता है कि आप करंट ईयर से ऑफसेट करें और उसके बाद फ्यूचर में फॉरवर्ड कर लें। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये बचता है कि आप करंट ईयर से ऑफसेट कर लें और फिर कैरी बैक कर लें, और अगर कैरी बैक से भी मामला रिजॉल्व ना हो तो फिर अल्टीमेटली वो कहाँ जाएगा, अच्छा फॉरवर्ड पे चला जाएगा। और तीसरा ये बनता है कि पहले आप कैरी बैक कर लें, उसके बाद आप करंट ईयर से ऑफसेट कर लें, और उसके बाद अगर बचता है तो कैरी फॉरवर्ड कर लें। सही। अच्छा, यूके के अंदर एक स्पेशल रिलीफ है, और वो स्पेशल रिलीफ हमारे केस में तो खैर यूजुअली नहीं आता, लेकिन वो स्पेशल रिलीफ वो देते हैं कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस के ऊपर। ठीक यानी कि जो बिजनेस स्टार्ट होते हैं उनको ये कहते हैं कि, जो यूजुअली ऐसा होता है कि जब बिजनेस का पहला या दूसरा या तीसरा साल होता है तो उसमें उसको लॉसेस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस के अंदर वो एक स्पेशल रूल ये कह देते हैं कि आप अपने करंट ईयर के लॉसेस को कैरी बैक कर सकते हैं 36 मंथ तक विद अदर इनकम। इससे पहले आपके पास जो इनकम थी उससे आप 36 महीने तक या 3 साल तक कैरी बैक कर सकते हैं। लेकिन ये जो रूल है वो अच्छा सिर्फ, वो जो रूल है वो सिर्फ नए बिजनेस के लिए। यानी कि एक बिजनेस 5वें साल, 6ठे साल, 7वें साल के अंदर है तो उसको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। और यूके में वो ये फर्स्ट 4 ईयर्स के लॉसेस के ऊपर ये रिलीफ देते हैं। लेकिन एक नया बिजनेस बना है तो वो कैरी बैक कैसे करेगा उसका पहला साल है अगर अदर इनकम से अदर इनकम भी नहीं है। तो फिर तो पॉसिबिलिटी नहीं है। जैसे एक शख्स था, वो सारी जिंदगी जॉब करता रहा, ठीक है, अब उसने अपना एक बिजनेस स्टार्ट किया, एक रेस्टोरेंट खोला, और पहले साल में उसको लॉस आ गया, तो वो कैरी बैक अपनी पिछले साल जो उसने इनकम टैक्स पे किया होगा ना एम्प्लॉयमेंट इनकम से, उससे ऑफसेट करवाएगा। ठीक है। इसी तरह अगर बिजनेस का आखिरी साल हो और उसमें उसको लॉस हो जाए तो प्रॉब्लम ये आएगी, वो कैरी फॉरवर्ड कैसे करेगा, आगे तो कुछ भी नहीं है। तो फिर वो टर्मिनल लॉस रिलीफ मिलता है, ये भी एक स्पेशल रिलीफ है, लॉस ऑफ लास्ट 12 मंथ कैरी बैक किए जा सकते हैं 36 मंथ। सही। तो इसका मतलब हुआ कि ओपनिंग रूल भी कैरी बैक का है और टर्मिनल लॉस रिलीफ भी कैरी बैक का है। अब फॉर एग्जाम्पल, एज्यूमिंग कि हमें डेटा दिया हुआ है 2006, 2007, 2008, 2009, और हमारे पास जो करंट ईयर है वो ये है, तो बाकी आगे एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्रॉफिट्स हैं। और करंट ईयर में हमारे पास ट्रेडिंग लॉस आ रहा है 1,50,000।
और लास्ट ईयर हमारे पास ट्रेडिंग प्रॉफिट था 60,000 रुपये, और नेक्स्ट ईयर में हमारा प्रॉफिट एंटिसिपेटेड है 30,000 रुपये, और उससे अगले साल हमारा प्रॉफिट एंटिसिपेट है 1 लाख का। सही है, कैलकुलेट टैक्सेबल प्रॉफिट एंड लॉस ईच ईयर एज्यूमिंग लॉस रिलीफ इज कैरी फॉरवर्ड। अभी हम सिर्फ ये एज्यूम कर रहे हैं कि हम सिर्फ कैरी फॉरवर्ड करेंगे, ऑप्शन तो है हमारे पास लेकिन हम एज्यूम कर रहे हैं कि कैरी फॉरवर्ड करना। तो अब हम अगर कैरी फॉरवर्ड करते हैं तो हमारी पोजीशन क्या बनेगी, 2006 एज इट इज रहेगा, सही है। जिस ईयर में लॉस होता है उसको जीरो लिखते हैं। अच्छा जी, कितना लॉस था, 1,50,000 का, तो इसकी ऑफसेटिंग कितनी होगी अगले साल, 80,000। 80 कैसे होगी, 30,000 है ना, हाँ 30,000। 30,000 ऑफसेट होके ये भी निल हो गया, और 2009 में 1 लाख है ना, तो हमारा टोटल लॉस था 1,50,000, उसमें से 30,000 अगले साल ऑफसेट हुआ, बाकी लॉस कितना बचा, 1,20,000। और अगले साल कितना प्रॉफिट रखा हुआ है, इसमें से 1 लाख ऑफसेट हो जाएगा, तो इसका मतलब है हमारा रिमेनिंग लॉस अगले साल के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा 20,000। इसको कहते हैं अनरिलीव्ड लॉस, वो लॉस जो अभी तक हमने यूज नहीं किया। तो इसका फायदा ये हुआ कि ना हमें 7 में टैक्स देना है, ना हमें 8 में कोई टैक्स देना है, ना हमें 9 में कोई टैक्स देना है, ठीक है। अच्छा, इसी सवाल में एज्यूमिंग लॉस रिलीफ लेना है एज अर्ली एज पॉसिबल, तो एज अर्ली एज पॉसिबल का मतलब क्या होगा कि हम करंट ईयर और कैरी बैक करेंगे। करंट ईयर में हमारे पास अदर इनकम तो है नहीं, तो हम चले जाते हैं कैरी बैक के ऊपर। तो अब हमारे पास सिचुएशन बनेगी पिछले साल हमारे पास जो प्रॉफिट था वो था 60,000 का और लॉस है 150 का, तो हम पिछले साल से ऑफसेट करेंगे, तो हमारे पास 90,000 का लॉस रिमेनिंग बच जाएगा, तो ये 60,000 हमारा जीरो हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमने 60,000 पे लास्ट टाइम जो टैक्स दिया था वो हमें रिफंड मिल जाएगा। उसके बाद टैक्स ईयर, ईयर ऑफ लॉस कौन सा था, 2007, इसमें वैसे ही निल लिखेंगे। अच्छा, अब 90,000 का प्रॉफिट है तो 2008 में 30,000 का प्रॉफिट है, तो 30,000 ये इससे ऑफसेट हो गए, ये भी निल हो गया, और बाकी कितना बचा, 60,000 का लॉस बचा। अब अगले साल हमारे पास 1 लाख का प्रॉफिट था लेकिन जो रिमेनिंग लॉस था वो 60,000 का था, पूरा ऑफसेट हो गया। हम 2009 में टैक्स देंगे किसके ऊपर, 40,000 के ऊपर टैक्स, सही। अच्छा जी, एक पॉसिबिलिटी और भी है जिसे कहा जाता है ग्रुप लॉस रिलीफ। इसका मतलब ये है कि ये यूजुअली पेरेंट सब्सिडरीज के दरमियान होता है। एक ग्रुप ऑफ कंपनीज के अंदर अगर एक कंपनी के पास लॉस आ रहा है और दूसरी कंपनी के पास प्रॉफिट आ रहा है तो वो एक दूसरे के से ऑफसेट कर सकते, सही है। फॉर एग्जाम्पल, पेरेंट के पास ट्रेडिंग प्रॉफिट है 1 लाख का और सब्सिडरी के पास लॉसेस आ रहे हैं 85,000,
तो सब्सिडी जो होगा वो पेरेंट को ये 85,000 के लॉस ट्रांसफर करेगा, और पेरेंट का प्रॉफिट जो है 100,000 माइनस 85,000, तो पेरेंट का जो टैक्सेबल इनकम बचेगी वो इस तरह से होगी, इसका ट्रेडिंग प्रॉफिट 1 लाख, और इसमें से वो लॉस रिलीफ ग्रुप वाला निकाल देगा 85,000 का, तो अब पेरेंट को जो टैक्स देना पड़ेगा वो 15,000 पे टैक्स देना। क्वेश्चन सही प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1,50,000, लास्ट ईयर लॉसेस ब्रॉट फॉरवर्ड 40,000, एक्सपेंसेस इंक्लूड अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन ऑफ 5,000, पॉलिटिकल डोनेशंस पॉलिटिकल डोनेशंस 3,000, एंड टैक्स डेप्रिसिएशन जो कि हमें एडजस्ट करना है, टैक्स डेप्रिसिएशन इज 4,000। टैक्स रेट इज 25%। कैलकुलेट टैक्स पेबल। अच्छा, लास्ट ईयर का जो लॉस ब्रॉड फॉरवर्ड आया हुआ है वो इस साल के प्रॉफिट से ऑफसेट होगा, तो पहले हम इस साल का टैक्स एडजस्टेड प्रॉफिट निकालेंगे। तो इस साल का प्रॉफिट निकालने के लिए हमारे पास पीबीटी हमने लिया 1,50,000, उसमें हमने अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन को ऐड बैक किया, और पॉलिटिकल डोनेशन भी डिसअलाउबल एक्सपेंस होता है वो भी हमने ऐड बैक किया 3,000 का, और टैक्स डेप्रिसिएशन हमने माइनस कर दिया। टैक्स डेप्रिसिएशन हमने माइनस कर दिया, तो हमारे पास अमाउंट बचता है 150। इसको हमने कह दिया टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट। अब हम यूजुअली तो इसी के ऊपर टैक्स लगा देते हैं, लेकिन अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास लॉस रिलीफ पड़ा हुआ है जो कि लास्ट ईयर ऑफसेट नहीं हो पाया था, तो हम नेक्स्ट ईयर के प्रॉफिट से ये लॉस हमने ऑफसेट किया 40,000 का, तो हमारे पास जो इनकम आ गई वो आ गई 114,000। ये टैक्सेबल इनकम हो गई, ठीक है, और टैक्स रेट कितना है 25%। इनकम टैक्स पेबल कितना होगा, अमाउंट बताएं 28,500। 28,500 सही जी, ये लॉसेस का मसला हल हो गया। So the next issue is capital gain tax.
एक तो हमने इनकम टैक्स किया और उस इनकम टैक्स के साथ हमने उसके लॉसेस कर लिए. अब दूसरी टाइप ऑफ टैक्स कैपिटल गेन टैक्स, ऑल्सो कॉल्ड CGT. इनकम टैक्स इस पे लगता है ट्रेडिंग प्रॉफिट के ऊपर लगता है, बिजनेस के ऊपर लगता है, बिजनेस की इनकम पे लगता है, ठीक है. CGT किसके ऊपर लगता है, चार्जेबल गेन टैक्स इस पे लगता है. इसकी डेफिनेशन है चार्जेबल डिस्पोजल ऑफ अ चार्जेबल एसेट बाय अ चार्जेबल पर्सन. ये इसकी डेफिनेशन. इसका मतलब है कैपिटल गेन टैक्स लगाने के लिए तीन चीजें होनी चाहिए. एक तो चार्जेबल डिस्पोजल होना चाहिए, और वो किसका होना चाहिए, किसी चार्जेबल एसेट का होना चाहिए, और किसने किया हो, किसी चार्जेबल पर्सन ने किया. डिस्पोजल की टैक्स की डेफिनेशन नॉर्मल डिस्पोजल की डेफिनेशन से थोड़ी सी डिफरेंट. डिस्पोजल में टैक्स वाले सेल ऑफ एसेट भी काउंट करते हैं, उसको भी चार्जेबल डिस्पोजल कहते हैं, गिफ्ट को भी चार्जेबल डिस्पोजल कहते हैं, और अगर कोई एसेट डैमेज हो गया और डैमेज होने के बाद उसकी वैल्यू कम हो गई, वो उसको भी क्या कहते हैं, चार्जेबल डिस्पोजल. सही. इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमने अपना कोई एसेट किसी थर्ड पार्टी को गिफ्ट कर दी तो टैक्स वालों से बच नहीं सकते. अब टैक्स वाले कहेंगे जी ये इट्स चार्जेबल डिस्पोजल, तो आप इसके ऊपर कैपिटल गेन टैक्स पे करें. दूसरी चीज है चार्जेबल एसेट्स. कुछ एसेट्स जो होते हैं वो एग्जेम्प्ट होते हैं. अब हमें वो याद नहीं करने, हमारे सिलेबस में नहीं है वो कौन से, लेकिन चार्जेबल एसेट्स वो होंगे जो एग्जेम्प्ट नहीं होंगे. तो जो एसेट CGT पर्पस के लिए एग्जेम्प्ट नहीं होंगे उसको हम चार्जेबल एसेट की लिस्ट में काउंट कर लेंगे. और चार्जेबल पर्सन UK के अंदर कैपिटल गेन टैक्स पर्पस के लिए एक इंडिविजुअल भी हो सकता है, जो तुमने अपना कोई एसेट सेल किया, और कॉरपोरेशन भी हो सकती है, कंपनी ने अपना कोई एसेट सेल किया तो कैपिटल गेन टैक्स कंपनी को भी पे करना पड़ेगा, इंडिविजुअल्स को भी पे करना पड़ेगा. अच्छा जी, अब आ जाए इसका एक प्रोफॉर्मा है इसी कैलकुलेशन का. इसके इंडिविजुअल्स के रूल्स अलग है और कॉर्पोरेशंस के रूल्स अलग है, ये बात ध्यान में रहे. लेकिन हमारे सिलेबस में जो वो तरीका उसने दिया हुआ है वो उसने कॉर्पोरेशंस के लिए दिया हुआ है. इंडिविजुअल अभी हमने जो ट्रेडिंग इनकम पढ़ी थी वो भी उसने कॉर्पोरेशंस के लिए दी थी. हालांकि इंडिविजुअल सोल ट्रेडर भी बिजनेसमैन हो सकता है, लेकिन उसके रूल्स काफी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं. अब इस प्रोफॉर्मा के हिसाब से हम चलते हैं. सबसे पहले जब हम एक एसेट सेल करेंगे तो हम उसकी सेल प्रोसीड लेंगे. एज्यूमिंग हमने एक एसेट सेल किया और उसकी सेल प्रोसीड थी 2,50,000, ठीक है. उसके बाद उस एसेट को सेल करने में अगर कोई हमारी सेलिंग कॉस्ट लगी, वो सेलिंग कॉस्ट हम इसमें से डिडक्ट कर देंगे और ये हमारे पास आ गई नेट सेल प्रोसीड. ये जो सेलिंग कॉस्ट है ये सेलिंग कॉस्ट टैक्स पर्पस के लिए अलाउबल एक्सपेंस होता है. सही. अब ऑब्वियसली ये एसेट हमने खरीदा भी होगा तो इसकी जो परचेज कॉस्ट है वो इसमें से डिडक्ट करेंगे, कितने का खरीदा था. तो ये एसेट हमने 1,50,000 का खरीदा था. अच्छा, हो सकता है कि इसको खरीदने के बाद इसके ऊपर हमने फर्दर कैपिटल एक्सपेंडिचर किया हो. पता ये लगा कि 25,000 का हमने इसके ऊपर खरीदने के बाद फर्दर कैपिटल एक्सपेंडिचर और किया था. ये दोनों हमने इसमें से माइनस किए. ये जो कॉस्ट हम यहां से डिडक्ट कर रहे हैं ना, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होना जरूरी है इसका. अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हुआ तो CGT पर्पस के लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अलाउबल नहीं होता, सिर्फ सेलिंग कॉस्ट के अंदर अलाउबल होता है, बाकी अलाउबल नहीं होता.
तो आप 240 में से ये माइनस कर दें, 150 माइनस 25,000, वन सेवेंटी फाइव, 25, 40, 65,000, ये आ गया समझ में नहीं है जी। ये सेल प्रॉफिट इसकी ज्यादा है, परचेज कॉस्ट कम है, ये कैसे है? गेन हो सकता है ना, महंगा बिक जाता है बाज दफा। अच्छा जैसे आपने कोई चीज खरीदी उसकी वैल्यू बढ़ गई प्रॉपर्टी के अंदर, तो ये कॉमन सी बात है, घर की वैल्यू बढ़ नहीं जाती। ठीक है, शेयर्स खरीदती है कंपनी, 1 लाख के शेयर्स खरीदे वो 2.5 लाख के हो गए, तो कॉमन सी बात है, सेल प्रोसीड ज्यादा तो इसमें वो कैरिंग वैल्यू वगैरह वो सब नहीं लिखेंगे? वो अकाउंटिंग, वो अकाउंटिंग इशू है, कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन, ऐसा टैक्स वाले के प्रोफॉर्मा में नहीं होता। अच्छा, सही है, सही। वो उसको उसकी उस तरह से कैलकुलेशन नहीं करते, ठीक है। क्योंकि जरूरी तो नहीं है कि हर एसेट के साथ डेप्रिसिएशन भी हो। अगर सोचो अगर लैंड होती तो अकाउंटेंट भी यही अप्रोच इस्तेमाल करता, कितने की खरीदी कितने की बेची। ठीक है, तो अब इस चार्जेबल गेन के ऊपर जो टैक्स है वो हमें एग्जाम में गिवन होगा। ठीक है, तो सीजीटी का टैक्स मैं एज्यूम कर रहा था 20% है, तो ये हो जाएगा 13,000 का कैपिटल गेन टैक्स। अब इसमें एक मसला है, मसला ये है कि ये जो शख्स है जिसने ये एसेट सेल किया है, वो ये क्लेम करता है टैक्स अथॉरिटी से कि भाई ये जो एसेट की वैल्यू बढ़ी है ना, ये इन्फ्लेशन की वजह से बढ़ी। अब अगर इन्फ्लेशन की वजह से बढ़ी है तो ये तो जेन्युइन गेन तो नहीं हुआ। तो टैक्स वाले कहते हैं ठीक है, तुम्हारी बात सही है काफी हद तक, तो हम एक काम करते हैं ना, हम इसको दोबारा बनाते हैं। हमने कहा जी आपने सेल प्रोसीड ली, मैं नंबर्स वही काम ले लेता हूँ ताकि आसानी रहे। हमने 250,000 का एक एसेट सेल किया, हमने उसकी सेलिंग कॉस्ट 10,000 माइनस की और नेट सेल प्रोसीड उसकी आ गई 2,40,000। ठीक है, उसके बाद हमने उसकी एक्विजिशन कॉस्ट या परचेज कॉस्ट उसमें से डिडक्ट की और उसकी इन्हेंसमेंट कॉस्ट वो भी इसमें से डिडक्ट कर दी, जो कि टोटल बनती थी 150,25। तो आंसर आया था आपका 65,000। अब वो क्या क्लेम कर रहा है, वो कह रहा है कि इसके अंदर जो प्राइस बढ़ी थी वो इन्फ्लेशन की वजह से बढ़ी थी, तो मैं तो टैक्स नहीं दूंगा। तो टैक्स वालों ने कहा ठीक है, हम एक्सेप्ट कर लेते हैं कि प्राइसेस बाज दफा इन्फ्लेशन की वजह से बढ़ जाती हैं, तो इन्फ्लेशन की वजह से बढ़ती हैं तो फिर वो जो जो शख्स है वो उसकी कॉस्ट भी बढ़नी चाहिए। तो वो कहते थे ठीक है, ये जो गेन आया है ना, इसको वो नाम दे देते हैं अनइंडेक्स्ड गेन, यानी कि अभी इसमें से इन्फ्लेशन एडजस्ट नहीं हुआ। फिर वो कहते चले ठीक है, फाइंड आउट के इस एसेट को खरीदने से लेकर बेचने तक इन्फ्लेशन कितनी थी, उसके अगेंस्ट वो इन्फ्लेशन वाला एलिमेंट गेन के अंदर जो मौजूद है वो हटाओ इसमें से, उसको कहते हैं इंडेक्सेशन अलाउंस। ये गिवन नहीं होगा, ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। निकला 20,000, अब गेन कितना आया 45। इसको वो कहेंगे ये तो जेन्युइन गेन है ना, इसके ऊपर टैक्स दो। सही, तो हम अपना टैक्स इसके ऊपर जो भी टैक्स रेट होगा उसके हिसाब से 9,000, ये कैपिटल गेन टैक्स होगा। ठीक है, अब ये इंडेक्सेशन अलाउंस कैसे निकालेंगे, ये एग्जाम में गिवन नहीं होगा, हमें कैलकुलेट करके यहाँ से माइनस करना होगा। अगर सवाल में वो लिख देता है देयर इज नो इंडेक्सेशन, तो फिर माइनस करने की जरूरत। सही, लेकिन इस इंडेक्सेशन के बारे में एक बात याद रखने की है कि इंडेक्सेशन कैन नॉट क्रिएट लॉसेस। मसलन ये नहीं हो सकता कि आपका अनइंडेक्स गेन था 65,000 का और आपने इंडेक्सेशन अलाउंस निकाला
और वो इंडेक्सेशन अलाउंस इससे ज़्यादा आ रहा है, हम्म, वो आ रहा है फॉर एग्जांपल 80,000, तो हम नेगेटिव में फिगर नहीं दिखाएंगे, हम कहेंगे ज़ीरो हो गए ख़त्म, क्योंकि इंडेक्सेशन की वजह से लॉसेस क्रिएट नहीं हो सकते। इंडेक्सेशन का ऑब्जेक्टिव है गेन को कम करना, लॉसेस क्रिएट करना ऑब्जेक्टिव नहीं है। सिमिलरली अगर लॉसेस आ रहे हैं तो लॉसेस के ऊपर कोई इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा, इंडेक्सेशन तब मिलेगा जब अनइंडेक्स गेन होना चाहिए, और मैक्सिमम कितना मिलेगा, जितना अनइंडेक्स गेन है उससे कम तो मिल सकता है, उसके बराबर हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सही। अब आ जाते हैं इंडेक्सेशन अलाउंस कैसे निकालते हैं। इंडेक्सेशन अलाउंस जो है वो मिलता है कॉस्ट के ऊपर, नॉट ऑन सेलिंग कॉस्ट। किस पे मिलता है? परचेज कॉस्ट में मिलेगा। परचेज कॉस्ट का मतलब है उसके साथ जो इंसिडेंटल कॉस्ट होती है उस पे भी मिलेगा, जैसे ट्रांसपोर्टेशन वगैरह। और दूसरा अगर कोई इन्हेंसमेंट हुई है तो उस इन्हेंसमेंट पे भी मिलेगा। अच्छा, ये वही सारी कॉस्ट है जो आईएएस में भी है। हाँ, आईएएस की डेफिनेशन और इनकी तकरीबन सेम है। सही। अच्छा जी, अच्छा निकलेगा कैसे? तो इंडेक्सेशन अलाउंस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है, जो भी कॉस्ट है हमारे पास उस कॉस्ट को इंडेक्सेशन फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। ज्यादातर एग्जाम में ये इंडेक्सेशन फैक्टर गिवन होता है। तो अगर ये इंडेक्सेशन फैक्टर गिवन है, फॉर एग्जांपल 1,00,000 की कॉस्ट है और ये इंडेक्सेशन फैक्टर दिया हुआ है 30%, तो इसका मतलब है 30,000 का क्या आ गया? इंडेक्सेशन अलाउंस, ये अनइंडेक्स गेन में से माइनस कर देंगे। सही। लेकिन अगर इंडेक्सेशन फैक्टर ना दिया हो तो इस इंडेक्सेशन फैक्टर को निकालने का भी फॉर्मूला होता है। आरपीआई का नाम सुना तुमने? आरपीआई, रेस्ट इन पीस नहीं, रिटेल प्राइस इंडेक्स। जी, आरपीआई एट डिस्पोजल डेट, रिटेल प्राइस इंडेक्स एट डिस्पोजल डेट, रिटेल प्राइस इंडेक्स एट परचेज डेट। इन दोनों का डिफरेंस लेंगे। अगर परसेंटेज में निकालना है तो आर पी आई एट परचेज डेट, तो इससे हमारे पास परसेंटेज में आंसर आ जाएगा, इंडेक्सेशन फैक्टर। और फिर ये इंडेक्सेशन फैक्टर हम कॉस्ट पे लगा देंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल कॉस्ट की डेट में ले लेता हूँ 1 जनवरी 2014। सही है। टैक्स रेट इज एज्यूम टू बी 20%। कैलकुलेट सी जी टी, कैपिटल गेन टैक्स निकालें।
बिल्कुल इसी फॉर्मेट के अंदर एग्जाम में सवाल आता है। अब हम सबसे पहले कैलकुलेट कर लेते हैं कि हमारा इंडेक्सेशन अलाउंस क्या होगा, बल्कि पहले प्रोफॉर्मा बना लेते हैं। सेल प्रोसीड, सेल प्रोसीड हमारी कितनी है? 85,000। उसमें से हमने सेलिंग कॉस्ट डिडक्ट कर दी, सेलिंग कॉस्ट थी हमारी 2,000 की, तो हमारे पास 83,000 की नेट सेल्स प्रोसीड आ गई। उसके बाद इसमें से हमने परचेज कॉस्ट माइनस की, परचेज कॉस्ट हमारे पास थी 40,000, तो अनइंडेक्स गेन कितना आया? 43। 43, ठीक है। अब हमें इंडेक्सेशन अलाउंस इसमें से माइनस करना है। इंडेक्सेशन अलाउंस कैलकुलेट करने के लिए हमें आरपीआई चाहिए। आरपीआई हमारे पास अवेलेबल है डिस्पोजल के वक्त भी और एक्विजिशन के वक्त भी, तो हम डायरेक्ट जो है ना वो इंडेक्सेशन अलाउंस कैलकुलेट कर लेते हैं, बल्कि एक काम करें वर्किंग कर लेते हैं। कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय इंडेक्सेशन फैक्टर, तो कॉस्ट कितनी आ गई? कॉस्ट आ गई 40,000, और इंडेक्सेशन फैक्टर हम निकाल लेते हैं। इंडेक्सेशन फैक्टर निकालने के लिए आरपीआई एट डिस्पोजल डेट, आरपीआई एट एक्विजिशन और आरपीआई एट एक्विजिशन निकालना जरा। इंडेक्सेशन फैक्टर कितना बनता है? सिक्सटीन 16.6, यानी कि 0.1767, सही है। तो हमने 40,000 को 16.7% से मल्टीप्लाई करो, सिक्स सिक्स एट जीरो 6680, जीरो ये इंडेक्सेशन अलाउंस आ गया। ये 6680 हमने यहाँ से माइनस किया, तो ये हमारे पास चार्जेबल गेन आ गया या टैक्सेबल गेन आ गया, ये बताएं। थर्टी सिक्स थ्री ट्वेंटी 36, थ्री ट्वेंटी 320। अब इसके ऊपर टैक्स लगाओ, सेवन टू सिक्स फोर 7264, सही, ठीक है। डेटा में लिख लूँ इसका, तो इसका डेटा जो है हमारे पास है सेल्स सेलिंग प्राइस है 7 लाख और सेलिंग कॉस्ट है 10,000। सेलिंग कॉस्ट आ गई आपकी 10,000, तो हमारा नेट सेल प्रोसीड कितनी आ गई? 6,90,000, ठीक है। और परचेज कॉस्ट इंक्लूडिंग इंसिडेंटल कॉस्ट ये हमने ले ली इसके अंदर से 420 प्लस 30, तो ये हो गया आपका 4,50,000। माइनस कर दें अनइंडेक्स कितना होगा?
240 240 हो गया, ठीक है। अब इंडेक्सेशन अलाउंस माइनस करना है। कैपलान में अच्छे क्वेश्चन दिए हैं इसके, बीबीबी में इतने बस एक दो ही सवाल दिए। तो 40% कहा था उसने, कॉस्ट का 40%, तो 450 मल्टीप्लाई बाय 40% कितना बनता है, 1,80,000। तो 60,000 का गेन आ गया और टैक्स था 25%, तो 15,000 का कैपिटल गेन टैक्स। सही। अच्छा एक बात का ख्याल है कि जो परचेज कॉस्ट होती है और जो इन्हेंसमेंट कॉस्ट होती है उसका अलग अलग इंडेक्सेशन होगा। अच्छा फॉर एग्जांपल, क्योंकि दोनों की डेट्स अलग होती है ना, अगर हमें एग्जाम में दिया जाता है कि जी परचेज कॉस्ट का इंडेक्सेशन फैक्टर है 30% और इन्हेंसमेंट का इंडेक्सेशन है, ऐसा कोई सवाल अवेलेबल नहीं है, ऐसे जस्ट फॉर नॉलेज बता रहा हूँ, 25%। तो परचेज कॉस्ट का जो इंडेक्सेशन है वो परचेज कॉस्ट से मल्टीप्लाई होगा। फॉर एग्जांपल हमने कहा कि परचेज कॉस्ट थी 50,000 की, तो इंडेक्सेशन अलाउंस इसका 15,000 आ गया और इन्हेंसमेंट कॉस्ट थी 30,000 की, तो इसका आ गया 7,500। फिर आप बाद में दोनों को प्लस करके अनइंडेक्स गेन में से माइनस कर दो, दिस इज इंडेक्सेशन अलाउंस। अच्छा जी, अब होता क्या है कि जब हमने फॉर एग्जांपल जब हमने कोई एसेट सेल किया, अब तक तो हम ये अज्यूम कर रहे थे कि गेन आएगा, तो हमने सेल प्रोसीड ली फॉर एग्जांपल 50,000 की, सेलिंग कॉस्ट माइनस की 10,000 की, नेट सेल प्रोसीड आ गई हमारी 40,000 की, ठीक है। उसके बाद उसमें से हमने कॉस्ट डिडक्ट की और कॉस्ट थी 55,000, तो 15,000 का हमें ये लॉस आ गया, कैपिटल लॉस। टैक्स लगेगा? नहीं, टैक्स तो नहीं लगेगा। सिमिलरली जैसे हमने इनकम टैक्स में रिलीफ ढूंढा था, इसमें भी हम रिलीफ ढूंढे। अब जब रिलीफ ढूंढने जाएंगे तो अब अगेन जो भी रिलीफ का तरीका होगा वो तो एग्जामिनर बताएगा सवाल के अंदर, लेकिन मैं यूके पर्सपेक्टिव से अगर बात करूं तो यूके पर्सपेक्टिव से क्या है, यूके पर्सपेक्टिव से कैपिटल लॉस में पहले हम इसे करंट ईयर से ऑफसेट करेंगे और फिर उसके बाद ये कैरी फॉरवर्ड होगा। यूके में कंडीशन है कि पहले करंट ईयर से ऑफसेट करना जरूरी है। तो करंट ईयर में किससे ऑफसेट करेंगे, करंट ईयर में अगर हमारे पास कैपिटल गेन ऑलरेडी रखा हुआ है उससे ऑफसेट करेंगे, और वो कब होगा, जब हमने एक से ज्यादा एसेट्स बेचे होंगे। सही है। फॉर एग्जांपल हमने एक मशीन सेल की, उस मशीन के ऊपर लॉस आ गया 2,00,000 का, उसके बाद हमने एक और मशीन सेल की, उस मशीन के ऊपर गेन आ गया 2,50,000। कैलकुलेट CGT एज्यूमिंग अ रेट ऑफ 25%। अब हम क्या करेंगे, हम अपने इस गेन में से अपने इस लॉस को ऑफसेट करवा दें, इसे करंट ईयर रिलीफ कर दें। रिमेनिंग गेन कितना बचा, 50,000। सही है, ये टैक्सेबल गेन आ गया, टैक्स रेट 25%, तो CGT कितना होगा, 12,500। ठीक है, और अगर ऐसा हो जाता फॉर एग्जांपल के
हमें एग्जाम्पल में दिया जाए कि कैपिटल लॉसेस ब्रॉड फॉरवर्ड हमारे पास रखे हुए हैं 25,000 के, अच्छा जी कैपिटल गेन हमारे पास इस साल हुआ 85,000 का, और कैपिटल लॉस हमारे पास करंट ईयर का हुआ 25,000 का। तो अब इसके अंदर ये होगा कि हम सबसे पहले जो गेन आएगा ना उसमें से पिछले साल का लॉस ब्रॉड फॉरवर्ड निकालेंगे, ये हमने माइनस कर दिया 60,000 बचा। अब करंट ईयर का निकालेंगे, हमारे पास तकरीबन ये बन गया 35,000 का टैक्सेबल गेन। ये जो गेन आ रहा है ना हमारे पास 85,000 का, जो ये सब उसमें से इंडेक्सेशन वगैरह निकालने के बाद आ रहा है। अब इस 35,000 के ऊपर हम टैक्स लगाएंगे 20% हो या 25% हो इस हिसाब से, ठीक है, कैरी बैक नहीं हो सकता। अब यूके में तो स्पेसिफिकली मना है, ठीक है, लेकिन अगर सवाल में दे देता हूँ फिर हम कैरी बैक भी कर सकते हैं। नो कैरी बैक इज पॉसिबल अगेंस्ट कैपिटल लॉसेस, सही सही। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि 2005, 2006 और 2007 और ये करंट ईयर, तो हमारे पास कैपिटल गेन था फॉर एग्जाम्पल 40,000 का, और हमारे पास 80,000 का कैपिटल लॉस आ रहा है, और हमारे पास 1,20,000 का कैपिटल गेन अगले साल एंटिसिपेटेड। एज्यूमिंग कैपिटल गेन टैक्स इज 20%, कैलकुलेट CGT ईच ईयर आफ्टर रिलीफ। तो कैरी बैक तो नहीं कर सकते, तो 2005 में 40,000 पे टैक्स लगा होगा 8,000 का, सही है, लेकिन 2006 में क्या होगा, जिस ईयर में लॉस होता है उस ईयर में निल, और 2007 में क्या होगा, लॉस ऑफसेट होगा, और उसके बाद 20%, इसका मतलब 5 में हम 40,000 पे टैक्स देंगे, 6 में कोई टैक्स नहीं होगा, और 7 में हम सिर्फ 40,000 पे टैक्स देंगे, क्योंकि ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा अगले साल से ऑफसेट हो जाएगा, सही। अच्छा अगर फॉर एग्जांपल हम बात करें, फॉर एग्जांपल ट्रेडिंग प्रॉफिट और कैपिटल गेन, तो 2005, 2006, 2007 और ये करंट ईयर है जी, तो इसमें आपके पास 1,00,000 के ट्रेडिंग प्रॉफिट है, 25,000 के कैपिटल गेन है, 1,50,000 का ट्रेडिंग लॉस है, और यहाँ पर आपके पास 10,000 का कैपिटल लॉस है, यहाँ पर आपके पास 25,000 का प्रॉफिट है, यहाँ पर आपके पास 40,000 का गेन। अगर वो उसको आपस में ऑफसेट करवाए नॉर्मली, तो वो अक्सर ये कहते थे कि ट्रेडिंग लॉस कैपिटल गेन से ऑफसेट हो सकते हैं, लेकिन कैपिटल लॉस ट्रेडिंग प्रॉफिट से ऑफसेट नहीं हो सकता,
अगर सेम ईयर में आ जाए, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ चलें, हमें ये पता है कि कैपिटल गेन में कैरी बैक तो नहीं हो सकता, तो हम इसको अगर सॉल्व करें तो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड कैपिटल गेन 2005, ये 150 पीछे जाके कैरी बैक हो जाएगा। तो 100,000 माइनस 100,000 जीरो, वो कैरी बैक हो नहीं सकता पूरा 25,000। यहाँ पर निल लिखेंगे, वहां पर भी निल लिखेंगे, और 2007 में क्या होगा, कितना लॉस बच गया था, 50,000। 25,000 माइनस 25,000, इसका मतलब है इनकम टैक्स की तो तीनों साल की बचत हो गई, कुछ भी नहीं देना पड़ेगा, जो दिया होगा वो भी वापस मिल जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 40,000 माइनस 10,000, 30,000 पे टैक्स देंगे। अगर ये आपस में ऑफसेटिंग नहीं होता, अगर वो आपस में ऑफसेटिंग का कह दे तो फिर हम उसके अकॉर्डिंगली काम करें। सही सही, चले कल मिलते।